बनाना बताऊंगी। इसके लिए हमने इस बाउल से 3 कटोरी जो है चावल ले लिया है और एक कटोरी उड़द दाल ले लिया है बिना छिलके वाली, इस तरह से देख सकती हैं। अब जो है इसको जो है ये दोनों मैं 4-5 घंटे के लिए इसको मैं भिगो दूंगी और भिगाने के बाद इसको ग्राइंड कर लूंगी। तो अभी हम इसको 4-5 घंटे के लिए भिगो के रख देते हैं। अब हमने जो है उसको ग्राइंड कर लिया है 4-5 घंटे बाद और इसको अच्छे से इस तरह से हम इसको मिक्स करेंगे। थोड़ी देर तक इसको अच्छे से फेंटना है और फेंटने के बाद इसको भी हम 2-3 घंटे के लिए रख देंगे सेट होने के लिए। तब तक हम अपनी चटनी तैयार कर लेते हैं। अब हम इडली के साथ खाने के लिए टमाटर की चटनी पहले बनाएंगे। इसके लिए हमने 2 टमाटर लिया हुआ है, एक बड़ा साइज़ है एक छोटा साइज़ है, 3-4 लाल मिर्च ली हुई है, 2 छोटी साइज़ की प्याज ली हुई है, ये सब अभी हम कट कर लेंगे, और एक लहसुन लिया हुआ है। तो ये सब हम अभी जो है इसको कट कर लेते हैं। हम ये सब जो है बहुत ज़्यादा मोटा नहीं, ऐसे रफली ही कट कर लेंगे सारी प्याज और टमाटर। तो थोड़ा सा हम इसमें तेल डालेंगे, उसके बाद जो है इसमें हम पहले प्याज डाल देंगे। प्याज हमारी हो जाए थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए, ज़्यादा नहीं होना है, ब्राउन नहीं करना है, थोड़ा सॉफ्ट हो जाए उसके बाद हम इसमें लहसुन डाल देंगे। प्याज जो है सॉफ्ट हो गई है, हम ये लहसुन की कलियाँ भी इसमें डाल देंगे और थोड़ा सा इसके लिए सॉफ्ट होने तक चलाएँगे। साथ में ही मिर्ची भी डाल देंगे और टमाटर भी सारे डाल देंगे, इसमें थोड़ा सा नमक डाल देंगे टेस्ट अकॉर्डिंग। अब हमारे टमाटर सॉफ्ट हो गए हैं, इसको ठंडा होने तक तब तक हम जो है मूंगफली की चटनी बना के दिखाते हैं। तब तक एक जार में जो है ये कुछ बिना छिलके की मूंगफली लेंगे, इसको हमने थोड़ा सा रोस्ट कर लिया है। हरी मिर्ची डाल लेंगे, 3-4 लहसुन की कलियाँ डाल लेंगे, थोड़ा सा नमक टेस्ट अकॉर्डिंग डाल लेंगे, थोड़ा सा पानी डाल लेंगे। ये इस तरह से हमारा बटर तैयार हो गया है। इसको थोड़ा सा और गीला भी कर सकते हैं, सांचे में फूल लगा सरसों का तेल लगा लेंगे या कोई भी आप रिफाइंड ऑयल को भी यूज़ कर सकते हैं। और हमारा पानी जो है फेंट लेंगे और अच्छे से सर्व हो चुका है। अभी हमने अपने सांचे में पूरा जो है इडली सांचे में हमने लगा के रखा हुआ है ऑयल, उसके बाद हम इस तरह से इसमें डाल देंगे। ये सिंपल है, इसको सिंपल तरीके से हम बिल्कुल बैटर ही डाल रहे हैं। एक मैं आपको दूसरा बताऊँगी, मैं इसके ऊपर दूसरा सांचा लगा दूँगी। उसके बाद मैं थोड़ा सा बैटर डालूँगी, थोड़ा सा बैटर डाल के उसके ऊपर से हमने ये आलू रखा हुआ है। आलू को मैंने जैसे समोसे के लिए तैयार किया आप मेरी पिछली वीडियो में देख सकती हैं, उसी तरह इसको मैं बीच में ऐसे रख दूँगी। ये हमारी बार बार इडली हो जाएगी और ये भी बहुत टेस्टी लगती है। जो भी बना के दीजिए नमकीन भी दे सकती हैं आप। ऊपर से फिर से हम बैटर डाल देंगे, डाल के इसको अब ढक देंगे और ढक के इसको 15 मिनट तक पकाएंगे। या फिर जैसे कि हम इसको इस तरह से चक्कू डाल के पक जाता है तो चेक कर लेंगे, अगर हमें लगता नहीं है तो समझ लीजिए हमने इस तरह से हमने इसको ढक दिया है और ढक के इसको पकने देंगे 15 मिनट तक। तब तक हम अपनी दूसरी वाली चटनी जो है उसको भी पीस लेंगे, ये वाली चटनी, और दोनों को तड़का दे के बताते हैं। ये हमारी ये चटनी भी देख सकती है तैयार हो चुकी है, उसको हम निकाल लेंगे। उसके बाद जो है हम इन दोनों का हलवा तैयार करेंगे। पैन गर्म हो चुका है तो उसमें हम थोड़ा सा हींग डालेंगे और थोड़ी सी राई डालेंगे, राई सरसों, और उसके बाद हम एक
लाल मिर्च डालेंगे और कड़ी पत्ते डालेंगे। हम जो है ये दोनों ही तड़का डाल देंगे इस तरह से। इडली के साथ खाइए, बहुत टेस्टी लगती है। आप देख सकते हैं मेरी जो इडली तैयार हो चुकी है, ये इस साइड में भरवा वाली है, इस साइड में सिंपल वाली है, और ये जो है पीनट चटनी और ये जो है टमाटो चटनी है, इन दोनों के साथ खाइए। चाहे तो आप इसमें सांभर भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ यही दोनों के साथ खाना पसंद करते हैं, तो इसलिए हमने इसी तरह बनाया हुआ है। इसको खाइए और टेस्ट कीजिए, और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और बना के ज़रूर एक बार खाइए और बच्चों को भी खिलाइए। बाय बाय।